Hey दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी। आज हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल दाल कैसे बनाते हैं, जिसे मराठी में फोड़नी से वरण भी कहते हैं। दोस्तों, ये दाल बनाना बहुत ही आसान है, तो देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी, 1/3 कटोरी मूंग दाल, 1/3 कटोरी मसूर दाल, 1/3 कटोरी तुअर दाल। इसके अलावा दोस्तों हमें लगेगा 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हींग, और हमें लगेगा 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा। इसके अलावा हमें लगेंगे लगभग 6 से 7 करी लीव्स के पत्ते, और मैंने अदरक को भी 6 से 8 बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। इसके अलावा हमें लगेंगे 2 लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च। दोस्तों, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और आपके घर में ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम तीनों दालों को पानी में 1 घंटे तक भिगो के रखेंगे, ताकि प्रेशर कुक करने से पहले ये तीन दालें थोड़ी नरम पड़ जाए। फिर हम ये जो दालें हमने भिगो के रखी है उनका एक्सेस पानी निकाल लेंगे। हमें दाल इसलिए भिगोनी है क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट काफी बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों, हमने दाल 1 घंटा भिगो के रखी है, अब हम एक्सेस पानी निकाल लेंगे और दाल को एक पतीली में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उतना पानी के पानी की लेवल दाल से 1/2 इंच ऊपर आ जाए। उसके बाद हम उसमें जो अदरक के टुकड़े हमने काट के रखे थे, हम वो इसमें मिला देंगे। हम हरी मिर्च जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट के रखी थी, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। और हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम चम्मच के सहारे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब हम पतीली को प्रेशर कुकर में रखेंगे, तो हम प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर पतीली को प्रेशर कुकर में रख देंगे। पतीली के ऊपर हम एक ढक्कन रख देंगे और प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे। कवर पे आप सीटी लगाना ना भूलिएगा। हमने सीटी लगा दी है और अब हम गैस को मीडियम से हाई फ्लेम तक ऑन करेंगे और हम 3 सीटी होने तक इसे गैस पर कुक होने के लिए रख देंगे। जैसे ही 3 सीटियां हो जाती है, हमें कुकर को ऐसे ही छोड़ देना है तब तक जब तक प्रेशर कुकर ठंडा ना हो जाए और उसका प्रेशर रिलीज ना हो जाए। तो दोस्तों, हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है और हमने ये दाल अब बाहर निकाल ली है। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। दोस्तों, नमक ध्यान से ऐड कीजिए, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले थोड़ा नमक ऐड करें और अगर फिर ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। फिर इस दाल को अच्छे से फेंटते रहिए ताकि एक थिक मिक्सचर तैयार हो जाए। दोस्तों, हमने जो अदरक और हरी मिर्च दाल को कुक होने तक के समय डाल दी थी, उसका एक अच्छा सा तीखा फ्लेवर दाल में इन्फ्यूज़ हो चुका है।
तो हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फेंटते रहना है ताकि एक अच्छा थिक मिक्सचर यानी कि ग्रेवी तैयार ना हो जाए। दोस्तों अब हम तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हम एक छोटा सा बॉल गैस पर रखेंगे और गैस को लो फ्लेम पर ऑन करेंगे। हमने इसमें लगभग 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है और घी को हम थोड़ा मेल्ट होने तक गैस को ऑन रखेंगे। हमने लाल मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तड़का बनाने के लिए हम जीरा और राई का भी इस्तेमाल करेंगे और करी लीव्स जो हमने लिए थे उसे भी हम तड़के में इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाता है हम ये चारों इंग्रेडिएंट्स घी में डालने वाले हैं। गैस को लो फ्लेम पर रखें ताकि अपनी वेसल जले ना। हमारा घी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा और राई ऐड करेंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और करी लीव्स ऐड करेंगे। दोस्तों राई को थोड़ा क्रैक होने दीजिए। जैसे ही राई का क्रैकलिंग साउंड आता है इसका मतलब हमारा तड़का अब रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमने जो तड़का बनाया है उसे हम अपने दाल में ऐड कर देंगे। हमने तड़का दाल में ऐड कर लिया। और हम अब दाल को लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक पकाते रहेंगे। हम तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो दोस्तों अब हमारी महाराष्ट्रियन स्टाइल दाल रेडी है। अब आप इस दाल को एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।